महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर सरकार और कर्मचारियों में खींचतान जारी है। राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उधर सरकार का कहना है कि बिना रोड मैप के कोई भी योजना लागू कर देना सही नहीं होगा, इसलिए पहले एक समिति गठित की जाए और उसके बाद ओपीएस की पर रिपोर्ट एक बनाई जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि सरकार ओपीएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले इसका अध्ययन जरूरी है। अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज संगठनों द्वारा जो लोग हैं जुड़े हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसमें प्राथमिक शिक्षक महासंघ से जुड़े बाला साहब जाबरे भी शामिल हैं। इन्होंने हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा से बात की। महाराष्ट्र भर में करीबन 17 लाख ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लेकर मंगलवार से उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू की है। इस सबके बीच उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आज पहुंचे महाराष्ट्र विधानसभा में, उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से चर्चा की। आज आप लोगों की चर्चा किस विषय पर हुई, क्या कुछ कहा गया उसके बारे में बताएं। तो आज जो चर्चा हो गई पुरानी पेंशन योजना जो अभी संप हो रहा है, पुरानी पेंशन योजना के बारे में सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब, एजुकेशन मिनिस्टर दीपक जी केसरकर साहब, सबके साथ चर्चा हो गई। सब पॉजिटिव चर्चा हो गई, वो पुरानी पेंशन योजना देने के लिए रेडी है। रेडी है ये कहा है उन्होंने। हाँ रेडी है, उसके लिए वो जो समिति गठन करने वाले है आज या कल उसका नाम भी वो कमेटी का डिक्लेयर करेंगे और उसके बारे में आने वाले एक दो महीने में उसके बारे में जो पुरानी पेंशन योजना कैसा कैलकुलेट करने वाले है इसके बारे में वो निर्णय लेने वाले है। और प्रशासन शासन सकारात्मक है तो क्या उससे शासन से ये पुरानी पेंशन योजना लेना चाहिए। बिल्कुल, पुरानी पेंशन योजना के जो आपके जो मांगे थी वो क्या अभी भी वही बरकरार है कि पुरानी पेंशन योजना होनी चाहिए, और भी कई सारे मांगे थे जिसे लेकर हो रही थी। और भी 17 फरवरी 2023 को हमने रत्नागिरी में जो अधिवेशन लिया टीचर का, उस प्रोग्राम में सीएम साहब थे, एकनाथ शिंदे साहब थे, ग्राम दीपक जी केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री थे, सब लोग आए थे। उन्होंने 15 जो मांगे हैं टीचर के बारे में वो सब डिक्लेयर कर दिए। आज की बैठक में केवल शिक्षक संगठन थे या और भी कौन कौन से संगठन थे आज? आज की मीटिंग में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सब पदाधिकारी थे, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी सब पदाधिकारी थे, और भी लोग आना चाहते थे लेकिन वो पास की वजह से अंदर आ नहीं पाए। तो एक तरफ जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकार के साथ में कुछ ऐसे संगठन जो जिनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है जैसे कि शिक्षक आरोग्य, उनकी ओर से एक बैठक हुई, ये महाराष्ट्र विधानसभा में ही ये बैठक की गई और इनका कहना है कि सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया उससे ये संतुष्ट हैं। ये जिससे कि आप देख सकते हैं ये सभी लोग उस संगठन के हिस्सा हैं जो यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और इनका कहना है कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी ये समझ ले कि एक तरफ जहाँ ओपीएस को लेकर प्रदर्शन हो रहा है वहीं उसके भीतर ही फूट पड़ती नजर आ रही है और कुछ लोग अभी फिलहाल सरकार से बातचीत कर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।